my role in Red, I'm not allowed to talk much about it. But ये जो role है, ऐसा किरदार है जो कि हर emotion के darker side को explore करता है. एक widow का character है, who is grieving, बहुत दुखी है. Of course, she's mourning her loss and वहाँ से कहानी शुरू होती है. आगे तो आप लोग देखकर ही आपको पता चलेगा कि असली कहानी क्या है. लेकिन this role has been a challenge for me because एक तरीके से it helped me explore my own self and अभी तक जितने भी किरदार मैंने निभाए हैं उन सब में से I think सबसे संजीदा character ये ही है. जैसे कि मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर लोगों की पहचान या तो extremely romantic films से हैं जहाँ तक मेरा सवाल है या total comedies. कॉमेडीज़ में काफ़ी है एंड आई थिंक एज एन एक्टर काफ़ी मेच्योर लेवल पे आई हैव ग्रेजुएटेड आफ्टर डूइंग दिस फिल्म. रेड इज़ अ कलर अकॉर्डिंग टू मी विच कैन डिफाइन एनी इमोशन. इफ यू थिंक एंगर यू कैन गो रेड विथ एंगर. इफ यू आर जेलस यू कैन एक्चुअली गो रेड विथ जेलसी एंड नॉट ग्रीन विथ जेलसी. इफ़ यू आर इन लव यू सी रेड एंड लाइटर शेड्स ऑफ रेड पिंक ऑल अराउंड. सो रेड इज़ दिस कलर ऐसा रंग है जो कि हर एक इमोशन को किसी ना किसी तरीके से सिग्निफाई कर सकता है. इट्स अ वेरी इमोशनल कलर. आई वॉज वेरी लकी टू वर्क विद अ टीम वेदर इट वॉज विक्रम और इट वॉज आफ्ताब ऑन स्क्रीन एज अ रिजल्ट बिकॉज वी गॉट टू नो ईच अदर बेटर ऑल्सो ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ. आप पिक्चर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि अगर मैंने सारे डिटेल्स आपको बता दिए तो सारे पिक्चर आपके सामने डाइवर्ज हो जाएगी. लेकिन इट इज़ नॉट अ ट्रायंगल. कौन सा फेवरेट आपका है? रेड आपने फिल्म में काम भी किया है तो क्या लगता है, और अगर रेड है तो क्यों फेवरेट? रेड एक ऐसा कलर है जो कि बहुत आई थिंक टेम्परमेंटल कलर है. हर किसी का कलर रेड नहीं होता. फॉर द सिंपल रीजन रेड आपके मूड से काफ़ी एसोसिएटेड है एंड आई फील वेरी मूडी. जब जहाँ तक रेड का सवाल है, मैं लाल तभी पहनती हूँ जब आई एम इन अ मूड. मैं लाल लिपस्टिक तभी लगाती हूँ व्हेन आई एम इन अ मूड. सो रेड इज़ मोर ऑफ अ मूड कलर फॉर मी देन अ कलर कलर विच आई वुड वेयर एवरी डे. ओके, तो क्यों कौन सा कलर आपका फेवरेट है? मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है एंड फॉर एन आर्टिस्ट आप किसी भी कलर को उस किस्म से यू कांट गिव फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्लेस. ओके, रोल के बारे में पूछना चाहूँगी. आपने जैसे बहुत हर एक न्यूज़ चैनल में आप बताती रहती हो आपका रोल ये है वो है. मैं रोल से हटकर थोड़ा पूछना चाहूँगी कि इस ऐसे रोल जब हम सेक्सी रोल करते हैं किसी फिल्म में किसी एक तो या फिर एक क्यूट रोल करना कितना अलग होता है? बहुत अलग, बिकॉज दोनों के इमोशनल लेवल्स जो होते हैं एकदम अलग होते हैं. सेंशुअसनेस और इरोटिका का सवाल है तो वो तभी हो सकती है जब उसकी कहानी अच्छी हो. वरना एक इरोटिक फिल्म, एक अच्छी सेंशुअस फिल्म और एक सीक्रेट फिल्म में कोई फ़र्क नहीं है. तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी लाइन एंड द इमोशनल कॉन्टेंट ऑफ द फिल्म. आपके साथ जो को स्टार अमृता है जिसके साथ काम करना, लेकिन फिर भी फिल्म में एक साथ दो स्टार जब आते हैं तो एक कॉम्पिटिशन सा फील होता है. तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज हम दोनों के कैरेक्टर्स टोटली डिफरेंट हैं. मैं एक विडो का रोल निभा रही हूँ, वो एक अलग रोल निभा रही है फिल्म में. तो उसमें तो क्लैश का सवाल ही नहीं उठता. जब कैरेक्टर ही अलग है तो क्लैश का सवाल कैसे हो? नहीं, नॉर्मली पूछ रही हूँ. नॉर्मली जब भी आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो तो आपके साथ जब आपके को स्टार्स होते हैं एक साथ एक फिल्म में चार से पांच कैरेक्टर आते हैं, क्लैश तभी होगा इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट और आपका कैरेक्टर ही, अब जैसे नो एंट्री का सवाल था तो मेरा कैरेक्टर जो कि संजना का था वो टोटली डिफरेंट फ्रॉम लाराज एंड विपाशाज एंड ईशाज. यू नो वो सबके बीच में थी. लारा जहाँ की एक थोड़ी कंजर्वेटिव हाउसवाइफ थी और ईशा वॉज टोटली कंजर्वेटिव एंड विपाशा जो थी उनका कैरेक्टर वॉज टोटली डिफरेंट. मेरा सबके बीच में कुछ था. सो वी कुडंट बी लाइक ईच अदर. तो कॉम्पिटिशन का सवाल ही नहीं था क्योंकि कैरेक्टर अलग होगा तो आपका लिबास अलग होगा, आपका मेकअप अलग होगा, आप जिस तरीके से बात करेंगे अलग होगा. तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन की तो कोई बात नहीं. ओके, फिल्म के बारे में पूछना चाहूँगी. जब आप रोमांटिक सीन्स कर रही थी तो कोई आपको कोई अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था? कितनी कंफर्टेबल थी? बिकॉज होता है ना कि आफ्ताब के साथ फर्स्ट मूवी कर रही हो तो कितना लाइक एन अरेंज मैरिज. पहली बार मेरी मुलाकात आफ्ताब से रेड के सेट्स पे ही हुई सीन के एक घंटा पहले एंड इमिजिएटली आई थिंक उस कारण दैट हेल्प द मूवी. बिकॉज जो केमिस्ट्री आती है अगर आप किसी को ना जानते हो एंड धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़े तो वैसी केमिस्ट्री अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हो पहली हो तो नहीं आती. बिकॉज
बिकॉज वो कम्फर्ट लेवल्स पहले से सेट हो जाते हैं तो वो ऑकवर्डनेस चली जाती है. सो आई थिंक दैट इज व्हाट हेल्प्ड द फिल्म के दूसरे इस पर हम लोग देखें आफ्ताब और अमृता के बाद अगर हम विक्रम भट्ट की बात करें तो उनके साथ ये आपकी फिल्म है तो कैसा उनके वो ज़्यादातर रोमांटिक थ्रिलर ज़्यादा फिल्में करती हैं आपका क्या ख्याल है इसके बारे में. यस डेफिनेटली विक्रम जो है ऑन एन इमोशनल लेवल उनकी पहुँच बहुत अच्छी है जहाँ तक रोमांस का सवाल है. इमोशनली किसी भी लव रिलेटेड टॉपिक को या अकल्ट रिलेटेड टॉपिक को टारगेट करने में वेरी वेरी गुड इज एक्ट टेक्निकली इज वेरी सुपीरियर बहुत प्रोफेशनल डायरेक्टर टू वर्क विद ऑल्सो. सो इट्स अ ट्रीट टू वर्क विद अ डायरेक्टर लाइक विक्रम एंड लोगों को हमेशा उनकी इस किस्म की फिल्में पसंद आई इंशाल्लाह ये भी पसंद आई. ओके आपके बारे में तो बोलते हैं व्हाट इज योर स्ट्रेस बस्टर. माई स्ट्रेस बस्टर working out is my stress buster. I run on the treadmill when I'm really stressed out for half an hour 40 minutes and I come out totally de-stressed. Yoga main ashtang yoga follow karti hu kafi arse se and that's helped me tremendously in busting all the stress. How do you pamper yourself? Pamper myself, I go and sit in a beauty parlor all day long and I pamper myself like that. Which kiss you remember in the film? Films I think it was the first time with Pardeen and Janashree. मैं बहुत नर्वस थी.